हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट योर सेकंड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज योर मोलारिटी। तो इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट योर द फास्ट कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। तो फास्ट कंसंट्रेशन टर्म तुम कौन थी स्ट्रेंथ हाँ ना तो आम स्ट्रेंथ डेफिनेशन फॉर्मूला तार यूनिट तार प्रॉब्लम पढ़ी तो आज आम पढ़िया कौन सेकंड कंसंट्रेशन टर्म दैट इज योर मोलारिटी। तो दिस इज इंपोर्टेंट फॉर योर काउंसिल एग्जाम और नीट जेई। तो फास्ट देख मोलारिटी माने कौन मोलारिटी माने कौन फास्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट योर मोलारिटी देन इट्स यूनिट देन इट्स एग्जाम्पल देन इट्स फॉर्मूला देन लास्ट डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ मोलारिटी बुझा पड़ा। तो फास्ट देख मोलारिटी माने कौन तो मोलारिटी माने मोलारिटी मीन्स से बोझी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। से कहो जी गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि दैट इज योर मोलारिटी बुझ पारला। तो गोटे लीटर सॉल्यूशन तो गोटे मन करडा गोटे लीटर सॉल्यूशन एडा कोन गोटे लीटर रो सॉल्यूशन अछि तो से कहो जी गोटे लीटर सॉल्यूशन रे एई गोटे लीटर रो सॉल्यूशन रे केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि दैट इज योर मोलारिटी बुझ पारल। तो एटा को देखिक तुम कौन डेफिनेशन लिख पार तो डेफिनेशन कौन हम इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर तो डेफिनेशन लिख तो फास्ट लिख डेफिनेशन तार डेफिनेशन लिख इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या को हमें कौन कह मोलारिटी। तो गोटे लीटर सॉल्यूशन रे केते मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट अछि दैट इज योर मोलारिटी बुझ पारल। तो फॉर एग्जांपल तो मोलारिटी की तुम रिप्रेजेंट को भाया करा जाए कैपिटल एम बुझ पारल मोलारिटी। तापर सेकंड पॉइंट लिखो इट इज डेनोटेड एज बा इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। तो मोलारिटी के आम को भाया रिप्रेजेंट करवा कैपिटल एम भाव रिप्रेजेंट करवा बुझ पारल। तो फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूँ फॉर एग्जांपल मु तुमको कहली मोलारिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज 2m एग्जांपल मन कर कहली एग्जांपल मोलारिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज 2m 2m मीन्स मोलारिटी। तो कहला गोटे सुगर सॉल्यूशन मोलारिटी हो 2m ता या माने कौन माने 2 मोल रो सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन माने 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट किए 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट आमर हला सुगर। तो 2 मोल्स ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन यार मीनिंग एटा बुझ पारल। जदि था 3m मीन्स 3 मोल्स ऑफ सुगर सुगर सॉल्यूट 3 मोल्स ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज योर मोलारिटी बुझ पारल। तो यहाँ तार गला कौन एग्जांपल तो तुम्हें एटा डेफिनेशन देखिक तुम यार फर्मूला काढ़ पार मोलारिटी डेफिनेशन देखिक तुम यार फर्मूला काढ़ पार। तो देख लेख मैथमेटिकाली यार फर्मूला देख केमी बाहर कर। तो लेख मोलारिटी ब्राकेट लेख कैपिटल एम भाव रिप्रेजेंट करती। तो लिखिली कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो उपरे लिखिली कौन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गला तापर कोन कहि प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर माने कोन सॉल्यूशन रो वॉल्यूमटा। तो लिखबी कोन तळे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो तुम्हारा डेफिनेशन लिखिकी
डेफिनेशन देखिकी तुम कौन मोलारीटी फर्मुला बाहर कर मोलारीटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूमटा के लिटर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर यार फर्मुला लिख पाल ना मोलारीटी तो अब देखा मोलारीटी एम मोलारीटी एम इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू तो आगुरी तुम जो फर्स्ट ईयर पढ़ी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कौन पढ़ी फर्स्ट ईयर पढ़ी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बा मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास हाँ ना वेट तो देख सीन से साइड लिख दियो सीन से साइड लिख दियो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बा वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एटा तुम फर्स्ट ईयर पढ़ी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट माने कौन नंबर ऑफ मोल एटा फर्स्ट ईयर पढ़ी मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो मास टा मन कर नेली डब्लू डब्लू मॉलिक्यूलर मास टा मन कर नेली स्मॉल एम हला मास रो हला वेट बा वेट नै पारियो मास जोड़ा का तो मास डब्लू मॉलिक्यूलर मास को एम भाव रिप्रेजेंट करली तो नंबर ऑफ मोल माने कौन एन तो एन इज इक्वल टू केते डब्लू बाय एम तो ये मुझे कौन कह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जगार मुझे डब्ल्यू बाय एम पकई पारि ना तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान एन तो एन जगार मुझे कौन पकेबी डब्ल्यू बाय एम तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एम है स्मॉल एम ता तले अच्छी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लिटर वॉल्यूम रो कौन भि बुझ गला तो ये तार फर्मूला बाहला एम इज इक्वल टू वेट of the solute divided by molecular mass of solute into volume of the solution to jodi volume data liter re deji volume data kon liter re deji to ada v rohila volume data jodi milliliter re dihanta volume data kon milliliter jodi dihanta kon karibo 1000 multiply karibo volume data liter dela bari kon hala w divided by m into v jodi volume data kete milliliter re dihanta milliliter dehile kon karibo 1000 multiply kole to w into 1000 divided by एम इंटू भि तो फर्मूला यहाँ आसला ना बुझिपाल जदि वॉल्यूमटा लिटर रे थे खाली कौन रहा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू भि जदि वॉल्यूमटा मिली लिटर दे तुम कौन कर हजार मल्टीप्लाय कर जेहेतु जान एक लिटर इज इक्वल टू हजार मिली लिटर से भाया है तो यहाँ जापाल डिटेल तो तुम यहाँ फर्मूला पड़े आसला देख यार यूनिट मोलारीटर यूनिट कौन तो ऊपर रहा कौन तो लिख ए साइड लिखि दि साइड लिखिद व्वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख व्वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट एम स्मॉल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो सॉल्यूटा नहीं थी तार मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर जेहेतु गोटे हजार मल्टीप्लाई कराई एटे कौन हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर क्लियर तो यहाँ तुम फर्मूला पाइल यहीटा को फॉलो करके आम प्रॉब्लम करवा यहाँ फर्मूलाटा मन रख एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम क्लियर तो अब यार यूनिट देख तो ऊपर कौन अच्छी वेट ऑफ द सॉल्यूट इन मोल तले कौन अच्छी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लिटर तो कौन है मोल पर लिटर बुझिपाल तो लिख कौन मोल पर लिटर बुझिपाल कमी यूनिट आसूसी वेट ऑफ द सॉल्यूट इन मोल तो लिखली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लिटर तो डिवाइडेड बाय मोल डिवाइडेड बाय लिटर तो कौन हम मोल पर लिटर और कौन लिख पारे मोल लिटर इनवर्स और मोल लिटर इनवर्स क्लियर एति की जान पाल ना तो फास्ट देख मोलारीटर डेफिने तुम दिमारे क्वेश्चन आसो क्वेश्चन आसो व्हाट इज मोलारीटी राइट डाउन इट्स यूनिट मोलारीटर डेफिनेशन लिख तार यूनिट लिख दिमारे क्वेश्चन आसो सीएचएससी बोर्ड में आसो व्हाट इज मोलारीटी राइट डाउन इट्स फर्मुला तो लिख मोलारीटर डेफिनेशन लिख तार फर्मुला एम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम इंटू भि क्लियर तो मोलारीटी मीन्स तुम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलारीटी आम कैपिटल एम भाव रिप्रेजेंट करवा
तापरे मोलारिटी ऑफ सुगर सॉल्यूशन इज 2 माने 2 मोल्स ऑफ सुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तापरे मैथमेटिकली फार्मूला केमे बाहर करिया मोलारिटी कहि कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट n ली डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मींस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर तो n तमर नंबर ऑफ मोल्स माने तो फर्स्ट ईयर पढिजो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास तो मास आगे डबल नेली तापरे मॉलिक्यूलर मास आगे स्मॉल m नेली तो ए n जगह रे w by m पुट करली n जगह रे w by m पुट करली तापरे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर तो v मल्टीप्लाई करली तो जदी वॉल्यूम डा मिलीलीटर देजी ताले 1000 मल्टीप्लाई करियो क्लियर फार्मूला बाहला तापरे यूनिट यूनिट कोन नंबर ऑफ मोल्स मींस मोल आसीला प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन तो मोल्स पर लीटर मोल लीटर इनवर्स शॉर्ट क्वेश्चन में आसीबा राइट डाउन द यूनिट ऑफ मोलारिटी तो कोन लिखे मोल पर लीटर बा मोल लीटर इनवर्स बुझ पाला तो एडा नोट डाउन करो तो एबे मोलारिटी जानि गेलो कोन एबे देखो मोलारिटी रो किछि इंपोर्टेंट नोट्स नोट्स ऑन मोलारिटी तो मोलारिटी रो किछि इंपोर्टेंट नोट देखो दियो नोट नोट ई नोट तो नोट गोटे साइड लिखो नेम ऑफ सॉल्यूशन नेम ऑफ सॉल्यूशन आ गोटे साइड लिखो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बुझ पालो नेम ऑफ सॉल्यूशन आ गोटे लिखो रिप्रेजेंटेशन तो मोलारिटी तो सॉल्यूशन विभिन्न प्रकार मोलारिटी अच्छे तो फास्ट आसला मोलार सॉल्यूशन फास्ट आसला कौन मोलार सॉल्यूशन तो मोलार सॉल्यूशन माने कौन फास्ट मोलार सॉल्यूशन तो मोलार सॉल्यूशन माने कौन बा मोलार सॉल्यूशन को आम कौरा रिप्रेजेंट करवा तो मोलार सॉल्यूशन माने जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी एक जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी एक दैट मीन्स एम इज इक्वल टू मोलारिटी इज इक्वल टू 1 बुझिपाल मोलार सॉल्यूशन मींस जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी 1 मींस एम इज इक्वल टू 1 तो एटा लिखि पारिबु कोन रिप्रेजेंट करि पारिबु को भलिया 1 एम 1 मोलारिटी बुझिपाल से भलिया सेकंड आसला बाई मोलार सॉल्यूशन सेकंड वन इज योर बाई मोलार सॉल्यूशन बाई मोलार सॉल्यूशन को आमे को भलिया रिप्रेजेंट करिया बाई माने कोन तो बाई माने कोन 2 तो बाई मोलार सॉल्यूशन मींस जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी 2 तो एम इज इक्वल टू 2 क्लियर तो लेखि एम इज इक्वल टू 2 माने कोन 2 एम तो जदि क्वेश्चन अछि बाई मोलार सॉल्यूशन माने कोन 2 एम लेखिबो मोलार सॉल्यूशन माने 1 एम तापर आसिला तमरो सेमी मोलार सॉल्यूशन सेमी मोलार सॉल्यूशन सेमी मोलार सॉल्यूशन तो सेमी मोलार माने कोन तो सेमी माने तमे जानि जो कोन हाफ सेमी माने कोन हाफ तो जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी हाफ ताको हम कोन कहिया सेमी मोलार सॉल्यूशन तो जो सॉल्यूशन मोलारिटी हाफ 1 बाय 2 ताको हम कोन कहिया सेमी मोलार सॉल्यूशन तो हम को लिखली 1 बाय 2 एम बा 0.5 एम क्लियर तो जदी 0.5 एम देजि माने जानिबो कोन सेमी मोलार सॉल्यूशन डा क्लियर तापर आसला डेसी मोलार सॉल्यूशन डेसी मोलार सॉल्यूशन डेसी मोलार सॉल्यूशन डेसिमोलर सॉल्यूशन माने कोन तो डेसी माने केते 1 बाय 10 जेमि सेमी माने 1 बाय 2 सेमि डेसी माने केते 1 बाय 10 माने जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी 1 बाय 10 1 बाय 10 जो सॉल्यूशन रो मोलारिटी 1 बाय 10 ता कोन कहबो डेसिमोलर सॉल्यूशन तो कोन लिखि 1 बाय 10 एम 1 बाय 10 एम इज इक्वल टू 0.1 एम क्लियर तापर तमरा आसिला सेंटीमोलर सॉल्यूशन सेंटीमोलार सॉल्यूशन सेंटीमोलार सेंटी मींस तुम्हारा कौन 1 बाय 100 बुझे पार तो जो सॉल्यूशन मोलारिटी 1 बाय 100 ताको हम कौन कहवा सेंटीमोलार सॉल्यूशन बुझा पड़ला तो लिख एम इज इक्वल टू 1 बाय 100 तो 1 बाय 100 एम बा 0.01 एम 0.01
एम तो क्लियर तो जदि प्रोब्लेम रे गुडा दिथियो दे दिथियो सेमी मोलार सॉल्यूशन दिथियो तो सेमी मोलार सॉल्यूशन माने तमे जानिबो जे कोन 1/2m देजी बा m इज इक्वल टू हाफ देजी डेसिमोलार सॉल्यूशन देजी प्रोब्लेम रे माने जानिबो जे m रो वैल्यू देजी मोलारिटी वैल्यू केते 1/10 क्लियर तो एटा मन रखि दिबो तो एटा आमे मोलारिटी बोला सेमिदि नॉर्मलिटी रे आमे भी एगुडा पढिबा नॉर्मलिटी रे तो कहि दोजी नॉर्मलिटी रे कोन हो नॉर्मल सॉल्यूशन बाय नॉर्मल सॉल्यूशन सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन बुझा पड़ला तो एगुडा नोट डाउन करो तापर अब देखा प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स ऑफ मोलारिटी मोलारिटी रो प्रॉब्लम देखा प्रॉब्लम्स ऑफ मोलारिटी तो प्रॉब्लम तुम दिमाग के क्वेश्चन आसव फास्ट प्रॉब्लम है एक नंबर प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 1 लेख फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन क्वेश्चन मार्क एटा तोर दिमाग के क्वेश्चन आसीओ बुझिपाल बा एंट्रांस रे गुडा से तो लख क्वेश्चन कोन देजी फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन मोलारिटी जो सॉल्यूशन देजी तार स्ट्रेंथ रा तमे कोड बाहर करियो मोलारिटी रे बाहर करियो तो क्वेश्चन तुमको देला कोन एम रो वैल्यू बाहर करो मोलारिटी एम रो वैल्यू बाहर करिया पई देजी तब देखो व्हेन 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट माने सोडियम कार्बोनेट ता तमरो हला सॉल्यूट तो केति ग्राम रो सॉल्यूट 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन तो तमरो 500 ml सॉल्यूशन रे तमरो 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट बा सॉल्यूट प्रेजेंट अछि तो से कहजी यार मोलारिटी बाहर करिया पई केते मोल रो सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट अछि 1 लीटर सॉल्यूशन रे बुझ पाललो तो देखो मोलारिटी रो फार्मूला में जानि जंती ए साइड रा गले खुजे एड स्पेस छाड दे कर लिखिया तो मोलारिटी रो फार्मूला में जानि जंती मोलारिटी m इज इक्वल टू w इनटू एडा वॉल्यूमटा केते दे जे मिलीलीटर दे जे तो मु कोन करबी 1000 मल्टीप्लाई करबी w इनटू 1000 डिवाइडेड बाय m इनटू v एडा फार्मूला मोलारिटी रो आम पढि दिले तो एबे देखिया सब ए जो जिंस गुडा एटा दे जिना देनी तो एम रो वैल्यू बाहर करिया पई कहि जे तो डब्लू रो वैल्यू डब्लू मींस वेट ऑफ द सॉल्यूट तो सॉल्यूट रो वेट केते दे जे 10.6 ग्राम तो लिख लियो केते डब्लू इज इक्वल टू 10.6 ग्राम गिवन एटा लिखियो गिवन डब्लू इज इक्वल टू 10.6 ग्राम तुम निजे लिखियो जते एग्जाम रे लिखियो डब्लू इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 10.6 ग्राम बुझल तो डब्ल्यू रो वैल्यू जानीगल एम एम मीन्स मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट तो सॉल्यूट किए सोडियम कार्बोनेट तो लिख कौन मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो एम लिखे मॉलिकुलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट रो मॉलिकुलर मास केते मॉलिकुलर मास बाहर कर जानजो तो सोडियम आटम केते आसी दीटा तो सोडियम रो एटॉमिक मास केते 23 तो 2 × 23 प्लस कार्बन केतरा छि गोटे कार्बन रो एटॉमिक मास केते 12 प्लस ऑक्सीजन केतरा छि तीनटा ऑक्सीजन एटम 3 × ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते 16 तो 3 × 16 तो 2 × 23 प्लस 1 × 12 प्लस 3 × 16 तो कैलकुलेट करला तमरा आसु जे पळे आसी 106 तो मॉलिक्युलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट केत आसी एम 106 पळे आसी तापर देजि कोन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन वॉल्यूम केत देजि 500 ml तो लिखले v इज इक्वल टू कोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml बुझ पाला तो सब वैल्यू पाई गले एबे खाली कोन करिया
फॉर्मूला रे एगुडा पुट करबे आंसर पाइ जा। तो देखो डब्ल्यू जगह मु कोन पुट करबी, डब्ल्यू जगह देख 10.6 इंटू, तो जेहेतु एडा वॉल्यूमटा एम एल रे देजी तो हेत पाइ 1000 मल्टीप्लाई करले तो 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 इंटू भी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम केते 500 ml 500, तो सब पुट कर देले एबे कोन 2 ये पड़े आसा केते 2 ताव के तासिबो तोमरो कैलकुलेट करले पड़े आसिबो एडा केते 2/10 हे जिवो 2/10 2 ये डिवाइड हे जिवो 2/10 इज इक्वल टू 1.5 बा 0.2 m। तो आंसर बाहर नाई, तो मोलारिटी कैसे 0.2 m बाहर। तो 0.2 moles ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बुझ पार। तो 0.2 m और लिख पार और 0.2 moles per liter, मोलारिटी माने कौन मोल्स पर लिटर। तो 0.2 moles ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो मोलारिटी दे दीजिए, मोलारिटी वैल्यू पाई गले। तो अब देखो सेकंड प्रॉब्लम, एटा नोट डाउन करो। सेकंड प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन, 0.5 m सॉल्यूशन, 0.5 m सॉल्यूशन। तो तुम्हारो क्वेश्चन कौन देजी, व्हाट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। तो तुम्हारा मोलारिटी दे देजी, तो मोला गिवन देखो, गिवन कौन देजी मोलारिटी कैसे दे 0.5 m। तो गिवन मोलारिटी RITY मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू 0.5 m मोलारिटी दे दीजिए। तापर एटा 1 लीटर माने कोन सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मींस V इज इक्वल टू 1 लीटर एटा दे दीजिए। तो मोलारिटी दे दीजिए, वॉल्यूम दे दीजिए, हैला। तापर कहि जी केते अमाउंट रो सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन रे प्रेजेंट अछि। तो देखो मोलारिटी रो फार्मूला कोन हम जानि जति, मोलारिटी m इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर मास इनटू वॉल्यूम। तो एटा देखो वॉल्यूम डा तमरो लीटर रे देजी, तमो हजार मल्टीप्लाई करूनी, बुझ पाला। जदी m रे दिथा ता ताले हजार मल्टीप्लाई कर था। तो फार्मूला कोन रहबो, m इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाय m इनटू v। तो w केते देजी, W डा तुमको पचारिजी मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो W रो वैल्यू डा पचारिजी, M रो वैल्यू देजी, V रो दे देजी। तो अबे कोन मॉलिक्युलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाहर करिया। तो देखो मॉलिक्युलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मॉलिक्युलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रो मास केते, तो दुटा हाइड्रोजन एटम 2 × 1 प्लस सल्फर रो केते 1 × 32 प्लस ऑक्सीजन, चारटा ऑक्सीजन आटम अच्छे, तो गोटे ऑक्सीजन आटम रो आटम मास केते 16, तो चारटा केते 4 × 16। तो टोटल कैलकुलेट करले तुम्हारे पड़े आसीबो 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्युलर मास केते 98। तो मॉलिक्युलर मास पाई गले, वॉल्यूम पाई गले, मोलारिटी पाई गले, एबे डब्ल्यू रो वैल्यू कैलकुलेट करिबा। तो डब्ल्यू डा एक और साइड रे लिखी एडा कोडा मल्टीप्लाई कर दउजी, तो हबो कोन W रो वैल्यू बाहर करिया, वेट ऑफ द सॉल्यूट बा अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो W इज इक्वल टू एगुडा को एक और छाड़ के लेजो, मोलारिटी m इनटू मॉलिक्युलर मास इनटू v। तो अब वैल्यू पुट करो, मॉलिक्युलर मास केते 98,
इंटू फर्स्ट मोलारिटी, मोलारिटी कते 0.5 m, 0.5 m मॉलिक्यूलर मास 98, देन वॉल्यूम भी इज इक्वल टू कते 1, बुझ पड़ल। तो एबे कैलकुलेट कला आसो तमर कते 49 ग्राम, 49 ग्राम। तो डब्ल्यू कते 49 ग्राम, एट आंसर। वेट कते, तो कते अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट अछि गोटे लीटर सॉल्यूशन रे, तो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। बुझा पड़ला। तो फास्ट एटा तुम्हारो मोलारिटी रो फॉर्मूला लिखी देव, तापर देखियो को गुड़ा देई वैल्यू कोड़ा बाहर करिवार अछि, जोड़ा बाहर करिवार अछि ताको अलग कर देव, जोड़ा कि भेंदे ताको गोटे साइड रे लिखि देव, तापर बाहर कर। तो वेट देई तो एरा कोन ग्राम रे बाहरिबो, वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम। तो क्लियर, दिस इज द प्रॉब्लम्स। तो अलग प्रॉब्लम गुड़ा तुम बुक रु करिवा। थैंक यू।